मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इम्प्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद एबिट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। न्यू दिल्ली में AIMIM के प्रेसिडेंट, हैदराबाद पार्लियामेंट के MP जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब के घर पर हमला किया गया है कुछ गैर समाजी अनासिर की जानिब से। अब इसमें हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ उनके मकान के शीशे टूटे हैं और नेम प्लेट को तोड़ दिया गया, लेकिन इस बात को लेकर बड़ा हंगामा किया जा रहा है और हर टीवी चैनल पर यह बताया जा रहा है। हम इन टीवी चैनल वालों से यह पूछना चाहेंगे, इसी शहर में जहां दिल्ली में राबिया साफी का रेप किडनैप मर्डर किया गया लेकिन कोई हंगामा नहीं हुआ, अब यह हंगामा क्यों हो रहा है पता नहीं। अब हम ये सोच रहे हैं कि UP इलेक्शन करीब आते जा रहा है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के वोट अलग अलग डिवाइड करने के लिए हिंदू भाइयों के वोट BJP और मुसलमान भाइयों के वोट MIM को मिलेंगे, ये ड्रामा चल रहा है ऐसा नजर आ रहा है। अब देखिए नाजरीन, जब भी हमारे हिंदुस्तान में इलेक्शंस होते हैं हमारी मीडिया गोदी मीडिया ये कहती है कि पाकिस्तान के कोई आतंकवादी आए और पकड़े गए। ये इलेक्शन के टाइम ही क्यों आते हैं और ये इलेक्शन के वक्त ही ऐसी गड़बड़ें क्यों होती हैं? ये हिंदू मुस्लिम भाइयों की सियासत करके अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आज एक MP के घर पर जाकर आप पत्थर मारते हैं। कौन है वो लोग, कहां है हिंदुस्तान के वो लोग जो गांधी के नाम पर आज भी मर मिटने को तैयार है? कहां है तुम लोग, कहां कौन से घर में तुम छुप कर बैठ गए हो? कहां वो लोग जो सुभाष चंद्र बोस पर अपनी गर्दन कटाने का नाम लेते थे? कहां छुप गए तुम लोग? कहां है वो लोग जो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब की दुआएं मुझसे देते थे? कहां है तुम? आज एक MP के घर पर जाकर आप पत्थर मारते हैं। किस बुनियाद पर हमारी डेमोक्रेसी काम करेगी? क्या इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों को लात मारकर निकाला? क्या इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने काला पानी की सजा काटी? याद रखो, मेरे सबर का इम्तिहान मत लो। तुम लोगों को वास्ता पड़ा होगा दीवानों से, मगर मैं इन दीवानों का बाप हूं। याद रखो, मेरी आवाज को कोई चीज दबा सकती है तो मेरी मौत, तो मारने वाले मार मुझे, मैं खड़ा हूं तेरे सामने। मैं अकेला जाऊंगा, मैं देखना चाह रहा हूं कि कौन मुझे मारना चाहता। मारो मुझे, पत्थर मारो, जो मारना है मारो मुझे। क्या मजाक बना के रख दिया है जमहूरियत का? किस लिए हम टैक्स पे कर रहे हैं कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोल नहीं सकता? जलील करते मुझे ये कहकर कि ये हिंदू मुसलमान में भड़काओ भाषण नहीं। मैं किसी हिंदू का खिलाफ था ना कभी रहूंगा, खुदा ना खास्ता। मेरा मकसद किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। हां, मैं फखर के साथ कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं। मुझे फखर है इस बात का। क्यों फखर है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मुझे इस बात की इजाजत देता, मैं अपने मजहब पर चल सकता हूं। मगर ये जलील करना, ये कौन सी ईमानदारी की बात है? दूसरों के ताल्लुक से नहीं कहते कि तुम्हारे भाषण से लोगों में तनाव पैदा होगा? नहीं, मेरे भाषण से होगा। बताओ, ये सेकुलरिज्म है? ये रूल ऑफ लॉ है? ये फंडामेंटल राइट्स है? ये कॉन्स्टिट्यूशन का पासो लिहाज है? अरे भाई, अफसोस होता है, मुझे अफसोस होता है कि हमारा मुल्क किस रास्ते पर जा रहा है, जो लोगों की सोच है। याद रखो, तुम मुझे आज इस तरह कह कह कर मुझे जलील कर रहे हो, मगर याद रखो, जिस चीज की आप शुरुआत कर रहे हैं उसमें हिंदुस्तान की जमहूरियत कमजोर ना पड़ जाए, खुदा ना खास्ता। अजीब और गरीब मामला है। मेरी बात अगर किसी को पसंद नहीं आती तो मुझे माफ करो, मगर मैं अपनी बात को रखूंगा। ये हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन मुझसे कहता है, मैं मौत से नहीं डरने वाला। क्या तमाशा बना के रखा है यहां का? अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी डरती है तो डरना पड़ेगा। याद रखो, तुमको
मैं जब तक जिंदा हूं तुमको डरा डरा कर गरीबों मजलूमों का काम करा कर रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपसे ये गुजारिश है अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इसके बाद बेल आइकन बटन को दबा दीजिए तो आपको हमारी आने वाली हर वो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। 7H News, सिर्फ आपकी आवाज़।